हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर की यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनली 23rd ऑफ सितंबर से फ्लिपकार्ट अपने बिग बिलियन डे सेल को यहां पर स्टार्ट करने वाला है। एंड कुछ दिन से आप यहां पर देखे होंगे कि फ्लिपकार्ट ने जो कैलेंडर लाया था उसके हिसाब से जो स्मार्टफोन डील्स वगैरह रिवील्ड हो रही थी, रियलमी की हो चुकी है, इन्फिनिक्स हो चुकी है, मोटरोला हो चुकी है, बहुत सारी हो चुकी है। एंड आज डेट है यहाँ पर 15th ऑफ सितंबर, फाइनली बिग बिलियन डे सेल की जो शाओमी एंड रेडमी स्मार्टफोन डील्स थी यहाँ पर शाओमी ने रिवील कर दिया है। आज की वीडियो में सारी शाओमी की डील्स आपको बताने वाला हूं फ्लिपकार्ट के सेल में से, एंड उसमें से कौन से स्मार्टफोन का आपको वेट करना चाहिए, कौन से स्मार्टफोन ठीक ठाक है, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल डेट एंड बैंक ऑफर के बारे में। तो जो बिग बिलियन डे सेल है 23rd ऑफ सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में यहाँ पर ये चलेगा, प्लस मेंबर लोग के लिए 22 सितंबर से यहाँ पर ये स्टार्ट होने वाला है। बैंक ऑफर आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक के कार्ड पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जबकि अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो 1500 रुपये का मैक्स डिस्काउंट है, जबकि डेबिट कार्ड है तो 1000 रुपये का मैक्स डिस्काउंट मिलेगा। एंड साथ ही में प्रीपेड डिस्काउंट, वो सारी चीज़ आप अलग से डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। अब मैं लाइन से शाओमी की सारी फ्लिपकार्ट वाली डील्स आपको बता देता हूं, उसमें से कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। सबसे पहली डील, सबसे तगड़ी डील, शाओमी 11i हाइपर चार्ज। ये स्मार्टफोन 27,000 रुपए में लॉन्च होता है इंडियन मार्केट में, 628 वाला वेरिएंट, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप देखोगे 19999। एंड आपको बता दूं, यहां पर एक कैच है कि अभी मैं यहां पर डील्स देख रहा हूं तो ये बताया जा रहा है कि 1 घंटे में यहां पर ये खत्म होने वाली है, तो मे बी जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो यहां पर ये डिस्काउंट आपको देखने को ना मिले, अभी आप परचेज ना कर पाओ। लेकिन एक चीज तो हमें पता लग जाती है कि भाई 22 सितंबर को ये 20,000 रुपए में देखने को मिलेगा। अब क्या 20,000 रुपए में देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? डेफिनेटली देखना चाहिए, मतलब 7,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है। डिजाइन बढ़िया सी है, 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड डिस्प्ले, डायमेंसिटी 920 की तगड़ी परफॉर्मेंस है, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल एयर कैमरा है, साथ ही में बैटरी लाइफ डिसेंट कैपेसिटी की है, साथ ही में 120 वॉट का फास्ट चार्जर डब्बे में आपको दिया जा रहा है 20,000 रुपए के फोन में। आउटस्टैंडिंग डील है, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट है यहां पर रेडमी नोट 11 SE, जी हां, 11,250 रुपए में सारे ऑफर लगा के आप परचेस कर पाओगे, लेकिन फोन 11,000 रुपए के हिसाब से काफी सही है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, बिकॉज पोको M4 Pro 4G जो कि आप बोल सकते हैं स्लाइटली बेटर डिवाइस है, एंड वो आपको 9,750 रुपए के आसपास जो है BBD सेल में देखने को मिलेगा। तो नोट 11 SE लेने की जरूरत नहीं है, ये रेडमी नोट 10 S जो आया था ना उसी को रीब्रांड करके लाए थे, तो 11,250 रुपए में इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर Redmi 9i Sport 7,000 रुपये में, ठीक ठाक है, इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है, देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। नेक्स्ट डील है यहाँ पर Xiaomi 11i 5G हाइपर चार्ज एंड 11i सेम स्मार्टफोन है, सिर्फ बैटरी लाइफ एंड फास्ट चार्जिंग में डिफरेंस है। यहाँ पर 67 वॉट का चार्जर मिलता है, वहाँ पर 120 वॉट का चार्जर है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर ज़्यादा मिलती है, वहाँ पर थोड़ी कम है। एंड ये सारे ऑफर लगा के आपको 628 वाला वेरिएंट 19,000 रुपये का मिलेगा। मे बी शायद इस पर अभी करंटली आपको कुछ घंटे का ऑफर चल रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा अभी फिलहाल के लिए परचेज मत करना, BBD सेल में आपको सेम 19,000 रुपए में ही देखने को मिलेगा, तब आप परचेस कर लें, मे बी इससे कम पे भी मिल जाए, पॉसिबल है। एंड 19,000 रुपए में हाईली रिकमेंडेड है, सेम ग्लास बैक देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, 67 वॉट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स दिया जा रहा है, डायमेंसिटी 920 एंड 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल एयर कैमरा है, तो ओवरऑल 19,000 रुपए का बजट है, डेफिनेटली इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर Redmi Note 10T 5G 11,700 रुपए में सारे ऑफर लगा के मिल रहा है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर यही प्राइस पॉइंट पे आपको बेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप पोको M4 Pro 5G की तरफ देख सकते हो, डायमेंसिटी 810 वहां पर मिलता है, यहां पर डायमेंसिटी 700 है, तो इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है, इससे बेटर आपको स्पेसिफिकेशन वो प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर Redmi 10 Prime 4G 6GB वाला आपको जो है 12,150 रुपए मिल रहा है, ये भी आपका रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज पोको M4 Pro 4G 10,000 रुपए में आपको मिल रहा है, तो उससे बेटर स्मार्टफोन इंडिया में करंटली नहीं है, तो उसकी तरफ आप देखना, Redmi 10 Prime को भी मैं बोलूंगा स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पर Redmi 10 Snapdragon 680 6000mAh बैटरी के साथ में, इसका प्राइस पॉइंट रिवील नहीं करे, XX यहां पर डाले हुए, लेकिन बताया जा रहा है यहां पर ये अराउंड आपको 8 से 9000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगा। एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट मैं बोलूंगा बैलेंस स्मार्टफोन रहेगा, बैटरी लाइफ अच्छी मिल रही है, प्रोसेसर अच्छा है, कैमरास वगैरह भी ठीक ठाक है, बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो अगर ये स्मार्टफोन आपको 8 से 8.5000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे मिलता है, डेफिनेटली आप इसका वेट कर सकते हो, एक बैलेंस स्मार्टफोन है। तो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर Xiaomi की डील्स Flipkart पे आपको देखने को मिल रही है। आप सोच रहे होंगे भाई इतने से स्मार्टफोन Xiaomi के कब आए, तो आपको बता दूं मोस्टली जो Xiaomi
के फोन है अमेजोन पे लॉन्च होते हैं, फ्लिपकार्ट पे गिने चुने यहाँ पर लॉन्च होते हैं। तो जितनी भी फ्लिपकार्ट की डील्स थी फ्लिपकार्ट ने आज 15 सितंबर को बता दिया है, लेकिन अमेजोन पे जब शाओमी की डील्स रिवील्ड होगी उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, वो 18 सितंबर को डील्स रिवील्ड होने वाली है। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना फ्लिपकार्ट की शाओमी की डील्स आपको कैसी लगी, क्या आपने इसमें से ऑलरेडी कोई डील को ग्राब कर चुके हो। वीडियो देखने के बाद करने वाले हो ये डील को लेके कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, मुझे पूछ लेना नीचे कमेंट्स में। से होप कि हम सब कुछ सुनाई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तब से अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।